नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, पिछले काफी समय से युवा लोग जो काम को लेकर कोशिश कर रहे थे, दोस्तों आज उससे संबंधित उचित परिणाम हासिल होने की उम्मीद है। आपको अपने किसी कार्य में शानदार सफलता हासिल होने वाली है, इसे हर काम को बहुत सोच समझ कर तथा मन लगा कर करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। साथ ही साथ लाभदायक स्थितियाँ बनी हुई है, इस समय अपनी पूरी मेहनत व ऊर्जा अपने कार्यों के प्रति लगा दें। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करें, सभी कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे होते जाएंगे। ऑफिस में अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। गृह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाफ थे वही आज आपके पक्ष में आएंगे। यह समय अपनी प्रतिभा को पहचाने और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें। खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा तथा लाभदायक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। किसी धार्मिक संस्था के साथ उनकी गतिविधियों में सहयोग करना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप जिस काम के लिए प्रयासरत कर रहे थे आज उससे संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, परंतु दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखना ज्यादा बेहतर होगा, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप जिस काम को पूरा करने के लिए ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपकी सकारात्मक संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यतीत होगी जिससे आपका उत्साह और मनोबल बना रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बनेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का समाधान देने से राहत मिलेगी और आप अपने दम पर कोई खास काम करने में भी क्षमता रखेंगे। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी आस्था और रुझान रखने से आपके व्यक्तित्व तो और अधिक निखार आएगा। दोस्तों, आज का दिन अच्छा बीतेगा। किसी शुभ चिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपका कोई विशेष उद्देश्य पूरा होने की संभावना है। मानसिक सुकून और शांति भी मिलेगी। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित रिश्ता भी आ सकता है। दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी दीर्घकालीन योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण रहेगी। इनके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से दिन सुखद व्यतीत होगा और आप प्रबोधित महसूस करेंगे। भगवान की कृपा से आपको ऐसे कार्य बन जाएंगे, ऐसे खुशखबरी मिलने लगेंगे जिससे कि दोस्तों आपको अपना होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह दिन आपका लाभकारी समय है, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप अपने जीवन शैली को और अधिक उन्नति करने का भी प्रयास करेंगे। महिलाएं घरेलू कार्यों को सहजता और सरलता से पूरा करने में समक्ष रहेंगे, साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति भी केंद्रित रहेगा। किसी मित्र के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में मधुरता आ जाएगी। कोई इच्छित कार्य समय पर पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आपका हिस्सा लेंगे, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। दोस्तों, अपनी योजना और गतिविधियों के बारे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, यह समय अनुकूल है, निश्चित ही उत्तम परिणाम मिलेंगे। घर और व्यवसाय दोनों जगह बहुत सोच समझकर फैसले लेंगे। दोस्तों, किसी विशेष प्रयोजन को लेकर की गई मुलाकात अथवा यात्रा सार्थक साबित होगी। आज सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी, सभी कार्य मन में इच्छा अनुसार होंगे। आज की मेहनत निकट भविष्य में लाभदायक द्वार खुलेगी। दोस्तों, आपके चारों तरफ के नसीब के दरवाजे खुल गए हैं। आप कोई भी काम करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेंगे और नई तरक्की भी हासिल करेंगे, इसलिए प्रयासरत रहें, आपको अवश्य सफलता मिलेंगे।
दोस्तों आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, आप हर काम में हर तरक्की में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थितियाँ बनी हुई है। मेहनत और प्रयासों से आपको अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ही सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अहम कार्य भी आज संपन्न होने की पूरी संभावना है। आज अन्य गतिविधियों पर आपकी रुचि बनी रहेगी। अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें, इससे आपको अवश्य सफलता मिलेंगे। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा आवाजाही से परहेज करें। यह समय बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से समय व्यतीत करने का है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखें कि बिजनेस में धोखाधड़ी की आशंका है। नए लोगों और नई पार्टियों के साथ डील करते समय सावधानी रखें। इस समय अपने काम की क्वालिटी और बेहतर बनाने की जरूरत है। ऑफिस में अपने बॉस व उद्योगकारियों के साथ मधुर संबंध रखें। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान देने की बजाय समय की मेहनत को समझें और अपने करियर पर फोकस रहें। कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य भी हो जाएगा, इसलिए सकारात्मक बने रहें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से सुकून भरा माहौल रहेगा। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर होगी। कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या हल हो सकती है। कार्यस्थल में सभी काम अपनी निगरानी में ही करवाएं। जैसा दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में पूरी तहकीकात जरूर कर लें। भावुकता में आकर बिना सोचे समझे दूसरों की कॉपी करने से नुकसान हो सकता है। ऑफिशियल मामलों में भी सावधान रहें। दोस्तों ध्यान रखें कि ज्यादा प्राप्ति की इच्छा और जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए मौजूद परिस्थितियों में संतोष रखना ही आपके लिए सुखद रहेगा। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर कुछ चिंता रहेगी, परंतु यह समय धैर्य रखने का है। दोस्तों कारोबारी मामलों में आपके फैसले बहुत ही अच्छे साबित होंगे, तरीके के मौके मिलेंगे। नौकरी में इस बात का ध्यान रखें कि किसी घनिष्ठ कर्मचारी की वजह से आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों करियर के मामले में यह दिन फायदेमंद रहने की उम्मीद है। जो लोग मीडिया से संबंधित हैं उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को अपनी मार्केटिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जितनी आप मीडिया की मदद लेंगे उतनी आसानी से आपको नए क्लाइंट की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी या खुद के व्यवसाय में जुड़े हैं उन लोगों को भी अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों वही बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवार जनों का उचित सहयोग बना रहेगा। दोस्तों तथा परिवार के साथ घूमने फिरने और मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। अपने कार्य में जीवन साथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा। प्रेम संबंध में भी एक दूसरे के लिए समय निकालना संबंधों में मजबूती लाएगा। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो तनाव और टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बाद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज दिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। दोस्तों योगा और व्यायाम करें, शरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। वर्तमान वातावरण की वजह से योग और व्यायाम को नियमित रखना जरूरी है। चिंता बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों आज आप केले के पेड़ की पूजा करने के अलावा शाम को इसके नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु की स्तुति प्राप्त करें। आज आप पीले रंग की चीजों का दान करें, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग आसमानी है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।